पंजाब मजबूत हो। 2700 करोड़ रुपए हम पंजाब की नींव को मजबूत करने में डाल रहे हैं। और जैसे बादल जी ने कहा, ये पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और जब हम इसको सड़कों में डालें, पुल में डालें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में डालें, हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का खून पसीना है। और इसीलिए बिना भ्रष्टाचार के हमें पूरा का पूरा पैसा एंड यूजर तक पहुंचाना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी ने पंचायतों की बात की। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रोग्राम चलाती है, चाहे वो मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, या ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, हम पंचायत के माध्यम से चलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और समझते हैं कि जो हमारे सरपंच भाई बहन हैं, वो गांव की आवाज समझते हैं, सुनते हैं, और वो ही विकास को, गांव के विकास को समझते हैं। तो हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं उनके माध्यम से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने पंचायतों का प्रयोग किया तो सही प्रोग्राम बनेगा और ठीक तरीके से चलाया जाए। अगर हमने ऊपर से प्रोग्राम थोप दिया, बिना सरपंचों से पूछे, बिना एमएलए से पूछे, हम जानते हैं कि वो प्रोग्राम फेल होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो जनता का प्रोग्राम नहीं हो। और प्रोग्राम को डिटेल्स देखने पर मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पंचायतों के साथ मिलकर बनाया गया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम पंजाब की बात करें और अगर हम गांव की बात करें, तो अगर गांव इमारत है तो खेत नींव है, बिना खेत के गांव का कोई मतलब नहीं। और मुझे दुख हो रहा है और पूरे पंजाब की जनता को दुख हो रहा है कि पंजाब की आत्मा पर, किसानों की आत्मा पर सरकार आक्रमण कर रही है। ये जो तीन कानून बनाए हैं, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण है, उनके खून पसीने पर आक्रमण है। और हिंदुस्तान के सब किसान, सब मजदूर इस बात को समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले पंजाब आया, हरियाणा गया, हर एक किसान को मालूम है, हर एक मजदूर को मालूम है कि इन तीन कानूनों ने उन पर आक्रमण की शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है इन कानूनों पर, असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया है, और असेंबली में हमारे एमएलए इन कानूनों के बारे में निर्णय लें। अगर हम हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करेंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। और जब भी कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हम नींव को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। यह फर्क है हम में और दिल्ली की सरकार। वो इमारत की बात करते हैं, योजना ऊपर से थोपते हैं, पंचायतों से नहीं पूछते, जनता से नहीं पूछते, और उनके कानून हिंदुस्तान की नींव को कमजोर करते हैं। अगर ये कानून
किसानों के हित के कानून थे। अगर ये कानून मजदूरों के हित के कानून है तो फिर इन कानूनों को पास करते हुए राज्यसभा और लोकसभा में सरकार ने डिबेट क्यों नहीं होने दी? अगर किसानों के हित के कानून थे तो डिबेट से क्या डर? डिबेट होती, पूरा देश देखता और देश निर्णय लेता कि इन कानूनों से फायदा हो रहा है या नुकसान। मगर लोकसभा और राज्यसभा में हिंदुस्तान के किसानों की आवाज को दबाया गया, उछला गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब की विधानसभा में पंजाब के किसान की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी, किसान के मजदूर की आवाज स्पेशल सेशन में सुनाई देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर किसान और मजदूर ने अपनी आवाज सामने रखी तो कोई भी शक्ति इन तीन कानूनों को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। दुख हो रहा है कि मैं पंजाब नहीं आ पाया, कोरोना का समय है, मैं आना चाहता था मगर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि इसको हम वर्चुअली कर सकते हैं तो वर्चुअल ये हमारी मीटिंग हुई। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, खास तौर से जो हमारे सरपंच भाई हैं, बहन हैं, आप जनता की आवाज हो, आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ेगी। मैं जानता हूं कि पंजाब में और पूरे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई और अब कोरोना के समय काफी मिसमैनेजमेंट हुआ। दिल्ली की सरकार ने टोटल लॉकडाउन कर दिया और हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार की बहुत कमी है। और इसलिए जो अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने रोजगार देना दिया है, सरकारी रोजगार दिया है, उसके लिए मैं अमरिंदर सिंह जी और सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा काम पंजाब की जनता की रक्षा करने का है, पंजाब को विकास दिलवाने का है और हम मिलके आप सबके साथ ये काम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस तो पहला कि मैं सब दा थैंक्स करा, मैनू अफसोस है कि कुछ लोकेशन से तकनीकी प्रॉब्लम करके आवाज़ नहीं गई। मैं उन्हें सारे सेंटर तो माफ़ी मांगना, अगों तो असं ध्यान रखांगे भी यहोजे प्रोग्राम नू होर वधिया तरीके ना कर सकिए। राहुल जी, अज बड़ा साडा पहला भी देखे मान दा दिन है कि तुसी साडा इस चंगे प्रोग्राम नू इनॉग्रेट किया। सानू इस गल दी भी खुशी है भी पंजाब कांग्रेस ने जां पंजाब सरकार ने जदों भी तुहानू रिक्वेस्ट कीती तुसी सानू कदे ना नहीं कीती। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਗਜੂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
मैं अपने सारे कुल मिनिस्टर कुलीग का शुक्रिया करना, MLA साहबान का करना, तो सब तो ज़्यादा जेडे पंच सरपंच ने जिन्होंने इस प्रोग्राम नू हर पिंड लागू किया नेक नीति नाल, उन्हां दा शुक्रिया। जेडे लोग इस प्रोग्राम नू 1.5 लाख लोग जेडे इस प्रोग्राम नाल जुड़े ने उन्हां दा भी शुक्रिया। अपने ADC डी DTPO BDO पंचायत सैकटरी, अपने सैकटरी साहब डायरेक्टर साहब का सब का शुक्रिया जेडे इस प्रोग्राम नू सिरे चढ़ा रहे ने। आस करने भी ये प्रोग्राम अगर जो अगला समा है वह प्रोग्राम वधिया तरीके सिरे चढ़ेगा। सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल, वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतह। थैंक यू वेरी मच राहुल जी फॉर कमिंग एंड फॉर इनॉग्रेटिंग दिस शो अवार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरिंदर सिंह जी, थैंक यू टू एवरीबॉडी, ऑल द MLAs, मिनिस्टर्स, सरपंचेस, बिग थैंक।